हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड ना बहुत सारी स्पेस टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं हम हैवी से हैवी जो रॉकेट है उनको लॉन्च कर रहे हैं बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल जब तक हम छोटी छोटी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करते जैसे इस सीरीज़ में आता है स्क्रैम जेट इंजन जिसके थ्रू आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल और बहुत सारे री यूजेबल लॉन्च व्हीकल वगैरह पॉसिबल होते हैं तो सवाल ये आता है ये होते क्या है और स्क्रैम जेट और रैम जेट के बीच की जो कन्फ्यूजन होती है वो भी हम आज की इस वीडियो में आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले देखेंगे मिसाइल्स के बारे में जब वो हो जाएगा तो विल डिस्कस कि जेट इंजन क्या होते हैं फिर हम आएंगे कि आपके स्क्रैम जेट इंजन क्या होते हैं स्क्रैम जेट रैम जेट से कैसे डिफरेंट होते हैं और उसके साथ हम देखेंगे कि इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है तो चलिए जरा एक एक करके बढ़ते हैं और समझते हैं इसका सिग्निफिकेंस पर उससे पहले इस सवाल का जरा जवाब दीजिए बिकॉज इफ़ यू नो द आंसर अभी दे सकते हैं नहीं तो वीडियो के एंड में आपको इसका जवाब पता होगा तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्क्रैम जेट इंजन दिस इंजन यूजेस एटमोस्फेरिक एयर टू एट सबसोनिक स्पीड टू प्रोवाइड द थ्रस्ट टू द रॉकेट ये आपकी पहली स्टेटमेंट है दूसरी है इंडिया है सक्सेसफुली डेवलप्ड डेवलप्रेमजर टेक्नोलॉजी अलोंग विद यूएस एंड चाइना तो जरा सोचिए इसमें से किस किसान डेवलप कर, रह, कर रहा कर रखा है और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है बिकॉज वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे ही चलिए ये डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मिसाइल्स होती क्या है या रॉकेट्स क्या होते हैं बिकॉज ये दोनों जगह ही काम आ सकते हैं और मैं अपने प्रीवियस वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि रॉकेट और आपके मिसाइल सिमिलर टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है दैट इज ये अगर आपका रॉकेट है या मिसाइल है तो इसमें होता है कि जितनी स्पीड से गैसेस पीछे की तरफ इजेक्ट होती हैं मतलब उतना ही थ्रस्ट किसी भी रॉकेट को ऊपर की तरफ लगता है राइट right? दिस इज हाउ एनी रॉकेट जितने स्पीड से पीछे की तरफ गैसेस इजैक्ट होंगी उतना ही थ्रस से रॉकेट आके मूव करता है ना दिस इज हाउ रॉकेट वर्क जब रॉकेट में यहाँ पे आप सेटेलाइट की जगह जब यहाँ सेटेलाइट रखोगे तो रॉकेट वगैरह हो जाएगा यहाँ पे अगर आप वॉरहेड रख दो राइट right? और वो किसी टारगेट पर डिलीवर करना हो तो वो हो जाता है आपका मिसाइल सो मिसाइल आर वॉट दे आर काइंड ऑफ अ रॉकेट ऑनली रॉकेट जो कि टारगेटेड जगह पे आपका वॉरहेड डेवलप करने के लिए बनते हैं राइट right? अब किसी भी रॉकेट या मिसाइल के तीन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होते हैं पहला होता है आपका गाइडेंस सिस्टम जो कि गाइड करता है जिससे कि वो स्पेसिफिकली टारगेट पे जाके अपने टारगेट को अपने वेपन को डिलीवर कर सके इस साथ में इसका कंट्रोल सिस्टम भी आता है तो योर योर गाइडेंस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि इसको गाइड करता है फिर कंट्रोल कि उसकी पूरी ट्रेजेक्टरी कंट्रोल कर सके जैसे सैटेलाइट में हम कोशिश करते हैं कि उसको लो अर्थ ऑर्बिट या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में आप क्या कर सको उसको जाके इंस्टॉल कर सको वहाँ पर जाके वो लैंड कर सके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोपेलर नाउ एवरी थिंग इज पॉसिबल आपका रॉकेट जाएगा और यहाँ जाके आपका सेटल हो सकता है दैट इज ओनली पॉसिबल जब यहाँ पे इन फ्यूल हो प्रोपेलर क्या होता है जो कि उसको आगे की तरफ मूव करता है सो so, प्रोपेलर कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रॉकेट और वहीं से हमारी स्क्रैमजे टेक्नोलॉजी आती है नाउ वाइस स्क्रैमजे टेक्नोलॉजी इज इंप, इंपॉर्टेंट प्रोपेलर प्रोपेलर की हम बात करें वो चीज़ जो कि इसको इग्नाइट करती है जिससे कि पीछे की तरफ आपकी गैसेस इजेक्ट होती हैं और ऊपर की तरफ आपका रॉकेट क्या होता है थ्रस्ट होता है राइट दिस इज अंडरस्टैंडिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी अब इस प्रोपेलर के दो कंपोनेंट होते हैं एक तो फ्यूल और दूसरा ऑक्सीडाइजर फ्यूल मतलब जिसको जलाया जा रहा है जिसके जलने से वो गैसेस बनेंगी जो कि पीछे की तरफ इजेक्ट होंगी और आपके रॉकेट को ऊपर की तरफ थ्रस्ट देंगी दैट इज फ्यूल लेकिन फ्यूल को जलाने के लिए एक ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है मतलब ऑक्सीजन कंटेंट की जरूरत होती है कोई भी चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलती है राइट right? ये चीज हमने देखी है इसीलिए जब भी हमें आग बुझानी होती है ऑक्सीजन की सप्लाई हम क्या करने की कोशिश करते हैं कम नॉट दिस प्रोपेलर कॉन्स्टिट्यूट एटी सिक्स परसेंट ऑफ द मास ऑफ द रॉकेट या मिसाइल मतलब ये इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि जो आपकी पूरी मिसाइल का जो वेट है उसमें से 86 परसेंट जो मास है वो सिर्फ इसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है फ्यूल और ऑक्सीडाइजर ने और इसमें भी अगर ऑक्सीडाइजर का देखो तो 70 परसेंट जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑक्सीडाइजर ओनली एंड दिस इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग प्रोवाइडिंग जो हमारी एयर में जो ऐटमोस्फेयर मिलती है एटमोस्फेयर में जो एयर मिलती है जो कि 50 किलोमीटर तक आपको अवेलेबल होती है वो आपकी फ्रीली आपकी एयर में अवेलेबल है इसके बावजूद हमें लेके जानी पड़ रही है दिस इज वे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रैम स्क्रैम जेट कम्स कि जब ये इतना मास ऑक्यूपाई करता है और इतनी हमारी से कॉस्ट लगती है तो ये जो आपकी एयर ऑक्सीजन या फिर जो आपकी ऑक्सीजन uh, है जो एयर में अवेलेबल है हम हाँ, उसे वहाँ से क्यों नहीं अवेल कर सकते यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आता है स्क्रैम जेट इंजन का स्क्रैम जेट इंजन बेसिकली यूजेस ऑक्सीजन अवेलेबल इन योर एटमोसफेयर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ऑक्सीडाइजर टू योर रॉकेट तो उसको फ्यूल की फॉर्म में उसको ऑक्सीडाइजर जो होता है वो एटमोसफेयर से लेता है इसको कहते हैं स्क्रैम जेट इंजन तो चलिए एक एक करके बात करते हैं स्क्रैम जेट इंजन काम कैसे करता है अब स्क्रैम जेट इंजन कैसे काम करता है इसके लिए हम इसका इवोल्यूशन देखते हैं सबसे पहले आपके आते हैं जेट इंजन जेट इंजन से आपका रैम जेट इंजन बनता है और रैमजेट का एक अपग्रेड वर्जन होता है आपका स्क्रेमजेट तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जेट इंजन क्या होते हैं जेट इंजन इंजन बेसिकली आ दोस जो जो कि हम तब से हम देखते ही आ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ रॉकेट ओनली जब पीछे की तरफ आपकी गैसेस इजेक्ट होती हैं जिसकी वजह से आपका जो रॉकेट है वो आगे की तरफ प्रोपेल होता है दोज आर जेट इंजन मतलब जो जो आपकी पीछे निकलने वाली गैसेस हैं वो रॉकेट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए एक थ्रस्ट प्रोवाइड करती हैं है दोस आर जेट इंजन तो उसे जेट ऑफ एयर निकलती है पीछे की तरफ और आगे की तरफ आपका रॉकेट जाता है अब देखा जाए कन्वेंशनल जेट इंजन कैसे काम करते थे कन्वेंशनल जेट इंजन में क्या होता था हमने देखा था कि हमारे रॉकेट में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होता है तो कन्वेंशनल जेट इंजन में एक अलग से चैम्बर होता था जिसके अंदर हम ये आपके गैसेस प्रोवाइड करते थे राइट? जो हमें फ्यूल चाहिए हो या फिर हमें अगर ऑक्सीडाइजर गैस चाहिए तो वो हम एक सेपरेट टैंक में रख देते थे या फिर अगर ये एटमोसफेयर की भी ले रहा है तो यहाँ पे कंप्रेशर लगाया जाता था लो प्रेशर कंप्रेशर अब एयर यहां से फ्लो करती थी कंप्रेशर इसे कंप्रेस करता था उस गैस को हैंडल करने के लिए मल्टीपल आपके कंपोनेंट होते थे कि यहाँ पे फैन लगा हुआ है टरबाइन लगी हुई है आपकी टरबाइन जिस तरीके से काम करती है ना कि विंड को आपकी कन्वर्ट कर देती है एनर्जी में ऐसे ही जेट इंजन काम करता है कि पहले यहाँ पे एयर आएगी अंदर जब एयर अंदर आएगी तो एयर की अपनी खुद की ना एनर्जी है विलॉसिटी है अब एयर की जो वेलोसिटी है वो इतने सारे आपके वॉल्यूम में एग्जिस्टेड है धीरे धीरे क्या करते हो एयर कंप्रेस होगी जब कंप्रेस होती है ना उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है प्रेशर बढ़ जाता है और वेलोसिटी लेकिन हो जाती है कम राइट right? इसी तरीके से आपकी बाकी टर्बाइन भी काम करती है जो विंड एनर्जी को यूज करती है कि एयर को अंदर लेंगे अंदर करके कंप्रेस कर देंगे कंप्रेस करते समय आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन आपकी वेलोसिटी हो जाएगी कम धीरे धीरे टेम्परेचर प्रेशर उसको इनफ हीट प्रोवाइड कर देते हैं कम्बशन के लिए मतलब आप ये बहुत ना कम्बस्टेबल हो जाते हैं कि आसानी से आग लग जाएगी अब बस इसको फ्यूल देने की जरूरत है इतनी देर में यहाँ पे आग लग जाएगी तो इस चैम्बर में जब हमारा ऑक्सीडाइजर यहाँ पे आ जाता है हम उसको फ्यूल सप्लाई कर देते हैं राइट अब फ्यूल सप्लाई होगी तो डिफरेंट काइंड ऑफ अदर गैसेज बनेंगी आपकी साथ में तो एक साथ आपका बेसिकली वो फ्यूल बन चुका है जिसको हम क्या करेंगे जिसको हम बाहर इजेक्ट करने की कोशिश करेंगे अब हमारा ये काम है ये जो गैसेस बन गई हैं उनको हाई स्पीड से इजेक्ट करना क्योंकि जितनी स्पीड से वो पीछे की तरफ इजेक्ट होंगी उतना ही रॉकेट को आगे की तरफ क्या मिलेगा थ्रस्ट समझ में आया एयर आई कंप्रेस हो गई टेम्परेचर प्रेशर बढ़ गया वेलोसिटी कम हो गई अब वेलोसिटी यहाँ पे कम है क्यों क्योंकि एयर दबी हुई है लेकिन जैसे ही उसे रास्ता निकले मिलेगा ना खुलने के लिए वो बहुत स्पीड से बाहर की तरफ इजेक्ट होगी क्योंकि प्रेशर बना हुआ है अभी भी उसके ऊपर प्रेशर तो बढ़ गया था ना जब वेलोसिटी कम हुई थी तो जैसे ही उसे रास्ता मिलेगा प्रेशर उसे हाई स्पीड से बाहर निकालेगा उसकी स्पीड बाहर निकल जाएगी तो जिस स्पीड से ये जो नई गैसेस जनरेट हुई बाहर निकलेंगे उतना ही आपका क्या हो जाएगा आपका रॉकेट आगे की तरफ प्रोपेल हो जाएगा समझ में आया ना अंडरस्टैंडिंग दिस इज कन्वेंशनल जेट टेक्नोलॉजी वो इस तरीके से काम करती है एयर आई टेम्परेचर प्रेशर क्रम वॉल्यूम हाई प्रेशर अभी भी हाई है टेम्परेचर हाई था तो आपका कंबशन हो गया प्रेशर हाई है इसका मतलब वेलोसिटी की पोटेंशियल है आगे क्योंकि जब इस प्रेशर को रिलीज करोगे तो गैसेस बहुत हाई वेलोसिटी से आपकी क्या होंगी आगे की तरफ बढ़ेंगी तो टेम्परेचर प्रेशर वेलोसिटी का पूरा खेल है लेकिन इस पूरे जेट टेक्नोलॉजी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ रही थी एक आपका फैन चाहिए कंप्रेशर चाहिए आपका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कंपोनेंट चाहिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती जिसकी वजह से आपका कॉस्ट क्या हो जाती थी बढ़ जाती थी तो पहला कॉस्ट तो ये कि आप गैस को कैरी कर रहे हो अपने साथ जो ऑलरेडी सेवेंटी परसेंट कॉस्ट लेके चल रही दूसरा इस गैस को गैस को मेंटेन करने के लिए जो आपने आर्टिफिशियल कंप्रेशर यहाँ पे लगा रखा है ना आर्टिफिशियल कंप्रेशर इसने इसकी बहुत सारा कॉस्ट बढ़ा रखी है और किसी भी टेक्नोलॉजी में जितने ज्यादा कंपोनेंट होते हैं जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है उतनी ही ज्यादा फेलियर की पॉसिबिलिटी हो जाती है तो ये जो इतने सारे कंपोनेंट्स थे एक तो वो उसकी कॉस्ट बढ़ा रहे थे वेट बढ़ा रहे थे और फेलियर की पॉसिबिलिटी बढ़ा रहे थे कॉस्ट वेट एंड फेलियर की पॉसिबिलिटी इन तीन चीजों की वजह से हम चले जाते हैं आगे दैट इज अपना रैमजेट या स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी हम कुछ नहीं करते रैमजेट एस्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में हम बस आर्टिफिशियल कंप्रेशर को रिप्लेस करके नेचुरल कंप्रेशर को यूज करने की कोशिश करते हैं अब वो नेचुरल कंप्रेशर क्या होता है दैट इज बेसिकली डिजाइन ऑफ द आपका जो टेक्नोलॉजी है आपका जेट इंजन की इसकी टेक्नो इसकी डिजाइन पे ध्यान देना है और दूसरा स्पीड और इन दो चीजों से आप नेचुरल कंप्रेशन कैपेसिटी लेकर आ सकते हो राइट right? हम दो चीज़ों को यूज़ करेंगे जिससे नेचुरल कंप्रेशन कैपेसिटी आएगी अब इसमें कुछ नहीं है इसमें बेसिकली ऐसा है कि अगर आपकी हवा अगर आपका ये इंजन ऑलरेडी आपकी सुपरसोनिक स्पीड से मूव कर रहा है सुपरसोनिक मतलब मोर देन वन uh, ये मोर देन वन वन मैक जो होती है दैट इज स्पीड ऑफ द साउंड से ऑलमोस्ट उससे अगर ज़्यादा होती है तो आपकी सुपरसोनिक स्पीड में चली जाती है अब अगर रॉकेट आपका सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है तो वो एयर को भी सुपरसोनिक स्पीड से ही इनकाउंटर करेगा वैसे आपको अगर स्टैटिक है रॉकेट तो एयर को भी स्टैटिक उससे फोर्सेस एनकाउंटर करेगा लेकिन अगर आप स्पीड से जा रहे हो तो एयर भी तो उसी स्पीड से आप आप एक्सपीरियंस कर रहे हो चाहे एयर मूव क्यों ना कर रहे हो ये आपका एक्सपीरियंस है ना तो ऐसे केस में क्या होता है ना दिस इज वॉट दिस स्क्रैमजेट इंजन यूजेस कि जब एयर को एक्सपीरियंस करते हैं सुपरसोनिक स्पीड से और उसको इस तरीके का ड्रैग मिलता है एक पर्टिकुलर कम्बन चैम्बर में अब ये देखिए ए यहाँ पे सुपरसोनिक स्पीड से आएगी और इसको ना ड्रैग मिल रहा है वो घुसती चली जाएगी अंदर स्केप नहीं है और इसमें क्या है इसकी जो लेंथ है वो देखो कोनिकल होती जा रही है ये धीरे धीरे ना इसकी जो विर्थ है वो कम होती जा रही है जिसकी वजह से एयर तो फिक्स्ड है एयर लेकिन उसको कंप्रेस होना पड़ रहा है, है इंजन के अंदर सिस्टम जो कि स्क्रैमजेट इंजन यूज करता है सो स्क्रैमजेट नेचुरल कंप्रेशन सिस्टम मतलब एयर की ऑक्सीजन को यूज करता है उसको नेचुरली कंप्रेस करता है तो यहाँ पे आर्टिफिशियल कंप्रेशर की और टर्बाइन की जरूरत आपकी खत्म हो जाती है इसी की वजह से आपका कॉस्ट खत्म हो गई तीन वजह से पहला एयर कैरी नहीं करनी पड़ रही दूसरा आपको कंप्रेशन नहीं लगाना पड़ रहा नेचुरली उसकी वो जो आपकी शेप है वो हेल्प कर रही है और तीसरा आपकी जो कॉस्ट ऑन टेक्नोलॉजी है जो एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट होते थे वो कम हो गए जिसकी वजह से फेलियर की पॉसिबिलिटी भी आपकी कम हो जाती है समझ में आया दिस इज हाउ स्क्रैम जेट इंजन वर्क इट्स दैट इजी तो यहाँ से एयर आपकी जाएगी एयर कंप्रेस हो जाएगी अब बाकी सब सेम है कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा और वेलोसिटी आपकी हो जाएगी कम टेम्परेचर की वजह से कंबशन आसान हो जाएगा हीट से फ्यूल प्रोवाइड करना है प्रेशर की वजह से पोटेंशियल है कि लेटोनन आपकी वेलोसिटी बढ़ सकती है जब ये आपका ये यहाँ पे जब O2 टू फ्यूल से कंबाइन करेगा तो नई गैसेस बनेंगी और यही गैसेस पीछे की तरफ इजेक्ट होती हैं और आगे की तरफ रॉकेट को थ्रस्ट देती हैं तो यहाँ पे नोजल बहुत इंपॉर्टेंट होती है नोजल उस नोजल से जिस नोजल से गैसेस आपके बाहर निकलती है तो इस नोजल की शेप जो होती है दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट तो स्क्रैमजेट इंजन में एक तो कंप्रेशर नहीं होता डिफ्यूजर की स्पीड ऑफ गैस कितनी रहेगी और नोजल की सेप डिटरमाइन करती है कि कितनी स्पीड से वो बाहर निकलेंगी ठीक है अब ये मैंने क्यों बताया क्योंकि यही चीज है जो कि रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन को डिफरेंशियट करती है तो पहले आप समझ गए इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया हमने काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया क्यों क्योंकि एयर जो है पर्टिकुलर स्पीड से अंदर जा रही थी उसकी काइनेटिक एनर्जी उसने एक्वायर कर रखी थी उस काइनेटिक एनर्जी को हमने प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया क्यों देखो प्रेशर आपका बढ़ा था ना टेम्परेचर आपका बड़ा हीट में कन्वर्ट हो गया प्रेशर आपका बढ़ गया उसी प्रेशर को हम लेटर ऑन यूज़ करते हैं इस रॉकेट इंजन को क्या वेलोसिटी देने के लिए बिकॉज वो जो प्रेशर है जब आप रिलीज़ करोगे तो गैस बहुत ही स्पीड से आपकी तरफ पीछे की तरफ निकलेंगे जिससे रॉकेट आपका आगे की तरफ निकलेगा सो वॉट वी आर डूइंग इज काइनेटिक एनर्जी को हम प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब समझते हैं रैम जेट और स्क्रैम जेट का क्या डिफरेंस होता है देखा जाए तो दोनों सिमिलर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं कि गैस आ रही है अंदर यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर आपका बढ़ा है वेलोसिटी कम हो रही है और गैस यहाँ से बाहर निकल रही है सिर्फ फर्क ये है कि, कि किस स्पीड से आ रही है लाइक तो इसमें क्या फर्क होता है रैम जेट और स्क्रैम जेट में जो आप डिफ्रेंशियट करते हो वो ये है सबसे पहले डिफ्यूजर की शेप यहाँ पे डिफ्यूजर की शेप ऐसी होती है कि जब गैस एंटर करती है तो अपने आप उसकी ना स्पीड कम हो जाती है स्पीड कम होके सबसोनिक स्पीड पे आ जाती है लेकिन स्क्रैमजेट इंजन में स्पीड आपकी रिड्यूस नहीं होती राइट उल्टा स्पीड आपकी सुपरसोनिक रहती है और ध्यान रखेगा जितनी स्पीड से आपकी velocity, आपकी गैस अंदर जा रही है ना उतनी ही स्पीड से वो बाहर भी निकलेगी अगर कोई भी गैस अपनी स्पीड को मेंटेन कर पा रही है रॉकेट में तो उतनी ही स्पीड से वो बाहर भी निकलेगी नॉ दैट्स वाई इन दिस केस रैमजेट इंजन में क्या होता है जब आपकी गैस अंदर आती है इनलेट तो वो सबसोनिक आपकी उस पर आ जाती हैं मतलब उनकी स्पीड कम हो जाती है इन द प्रोसेस जब वो अंदर जाते हैं लेकिन स्क्रैमजेट इंजन में आपके डिफ्यूजर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि स्पीड नहीं कम होती स्पीड आपकी इसमें सुपरसोनिक मेंटेन रहती है जिसकी वजह से ओवरऑल जो स्पीड होती है स्क्रैम इंजन की वो सबसोनिक लेवल पे ऑपरेट करती है और इसका सुपरसोनिक लेवल पे इनफैक्ट इसका कंप्रेशर भी आपका सबसोनिक लेवल पे ही ऑपरेट करता है इसका कंप्रेशर आपका सुपरसोनिक लेवल पे ऑपरेट करता है दीज आर वॉट जो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अब इसीलिए जो इसका नोजल होता है मतलब जहाँ से गैस फाइनली निकलती है इसका जो नोजल होता है वो भी एक्सेलरेट करता है यहाँ पे कि जो सुपरसोनिक स्पीड है वो मेंटेन रहे उल्टा बढ़ जाए तो स्क्रैमजेट इंजन आपके किस पे काम कर रहे हैं सुपरसोनिक स्पीड पे लेकिन जो आपके रैमजेट इंजन है वो सब सोनिक स्पीड पे मतलब लेस देन वन मैक और मोर देन वन मैक लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोनों ही केसेस में जो बाहर की एयर है मतलब इनिशियली जो आपका रॉकेट चला था वो आपका सुपरसोनिक स्पीड पर है दोनों ही केस में अंदर जो गैस गई है उसकी स्पीड बदल गई है

क्यों क्योंकि फेलियर अब आप आपका कम हो रहा है कंपोनेंट आपके कम हो गए हैं साथ में इससे बहुत सारे फ्यूचर मिशन पॉसिबल हो पाते हैं जैसे आपके हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मिसाइल जो कि फाइव आपके टाइम्स दी स्पीड ऑफ साउंड पर ऑपरेट कर सकते हैं उन वो आपके पॉसिबल होते हैं फिर रीयूजल लॉन्च व्हीकल भी इसी से पॉसिबल है जो कि एटमोस्फेयरिक एयर में वापस एटमोसफेयर में वापस री कर पाते हैं उसके लिए भी इनका होना पॉसिबल है क्योंकि फ्यूल तब तक, तक इतना होता नहीं है तो आप कहाँ से यूज करोगे एटमोसफेयर की, और इसके साथ इंडिया अपनी कैपेबिलिटी बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएगा क्योंकि इंडिया के सिवा अभी सिर्फ यूएस रशिया और चाइना के पास टेक्नोलॉजी मेक्स इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन स्पेस टेक्नोलॉजी सो दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ आपकी स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब इस सवाल का जवाब द स्क्रैमजेट इंजन यूज एटमोस्फेरिक एयर एट सबसोनिक रॉकेट मैंने क्या बोला था अब आपको सोनिक और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपके पे काम कर रहे हैं काम करते हैं इंडिया हैज सक्सेसफुली अलॉन्ग विद यूएस चाइना नॉट दिस स्टेटमेंट इज राइट पहला वाला आपका गलत है टू ही आपका सही है और इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है पसंद आई तो लाइक करें सब्सक्राइब करें नहीं तो कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल दीजिए थैंक यू सो मच Current Affairs by Forum IAS is an all in one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.